जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि, जल तत्व की राशि कर्क राशि के लिए दिसंबर 2018 का साल कैसा रहेगा उसके बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से आपके पंचम स्थान के अंदर चल रहे हैं। पाँचवें स्थान में सूर्य बुध गुरु का कॉम्बिनेशन आपके लिए सामान्यतः मध्यम फलदायी माने जाएंगे। संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका हो सकता है। खाने पीने में कुछ गड़बड़ ना हो, पेट में गड़बड़ ना होगा, उसका आपको खास केयर करना होगा, क्योंकि मंगल भी आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर चल रहा है, जिसके चलते हुए आप फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे। मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। मंगल का यहाँ पर भ्रमण जो है वो 23 दिसंबर 2018 तक है। 23 दिसंबर 2018 तक आपको आग एवं इलेक्ट्रिक से भी केयर करना होगा, आँखों का भी विशेष केयर करना होगा और वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर अननेसेसरी उग्रता टेंशन हो जाए फैमिली मेंबर के साथ, अपने ब्लड रिलेटिव के साथ ऐसा हो सकता है। 23 दिसंबर 2018 के बाद मंगल चलेंगे आपके राशि से नौवें स्थान के अंदर मीन राशि में, जो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। 16 दिसंबर 2018 को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और चलेंगे आपकी राशि से छठवें स्थान के अंदर, जो आपके लिए शुभ बनेंगे, रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। हालांकि छठवें स्थान जो है वो आपका नौकरी का स्थान है, यहाँ पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन शुभ वैसे तो रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं, लेकिन साथ में जो काम करने वाले का सहकर्मचारी गण है उनके साथ कोई वाद विवाद डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जाए उसका आपको खास केयर करना होगा। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन के अंदर आप अपने थोड़ा सेविंग भी कम देखेंगे कि सेविंग कम हो रहा है इस मंथ के अंदर। राहु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, जिसके चलते हुए लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। केतु आपके सप्तम स्थान के अंदर हैं, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ भी आपको केयर करना होगा। 23 दिसंबर 2018 तक आपको ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि मंगल भी आपके अष्टम स्थान के अंदर चल रहे हैं। शुक्र आपके चौथे स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो आपके सुख साधन संपत्ति में स्थावर मिल्कत में वृद्धि करवाने वाले बनेंगे। नया मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि आप ले सकते हैं और लव मैटर में भी आप सक्सेस देखेंगे 16 दिसंबर 2018 के बाद। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मंथ आपके लिए शुभ है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और यदि आपके कोई मित्र हैं कर्क राशि वाले तो वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी जरूर दबाइए।